का गिलास छोड़ दोगे तो 7 दिन बाद उसको नींबू से ही साफ करना है। तो ये बन गया हमारा मिनरल वाटर, जो कि असली मिनरल वाटर होता है। ये होता है मटके में कॉपर का गिलास या लोटा डाल के छोड़ दिया। फिर इसी पानी को हमने जब 12 घंटे कम से कम पड़ा रहा तो हमने भर दिया एक कांच के जग में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मिनरल वाटर, उसके बाद अल्कलाइन वाटर, और इसको फिर मैजिक वाटर बनाने का तरीका। और मैं हूँ आचार्य मनीष, मेरे साथ है डॉक्टर अवधेश पांडे जो MBBS MD हैं। इस पानी को जब हमने ले लिया तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, गाजर, खीरा, नींबू, अदरक, मिर्च, धनिया, पुदीना और आंवला, अब इन्हीं के जो भी इनके पीसीस बड़े बड़े हैं काट के, हमने इसमें दो दो तीन तीन पीस डाल दिए। ये तुलसी के पत्ते डाल दिए, ये इसमें अदरक, कम से कम इतनी लंबी अदरक, ये लगभग 2 उंगली जितनी अदरक, यानी कि ये उंगली, ये 2 अदरक के पीस बड़े बड़े मैंने इसमें डाल दिए। और ये इसमें मैंने धनिया पुदीना, अब इसमें 2 मिर्चें डाल दी। अब ये पानी हमारा एल्कलाइन वाटर बन रहा है। अब इसको मैजिक वाटर बनाना है, तो जब इसको पड़े हुए 6 घंटे हो जाएं कम से कम इस पानी को, डॉक्टर अवधेश पांडे ये भी बता देंगे कि ये पीना क्यों है, तो उसके बाद जब ये 6 घंटे पड़े हुए हो गए, उसके बाद इसमें डालने हैं आंवले के 3 या 4 टुकड़े। अब ये बनेगा मैजिक वाटर। कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब में ये पानी रामबाण काम करेगा। और यही चीज, यही अल्कलाइन वाटर जब आंवला डल जाता है तो बन जाता है मैजिक वाटर। डॉक्टर साहब आप बता दो कि ये पीना क्यों है? एसिडिटी में जीवन जलता है, एल्कलिनिटी में जीवन पलता है, ओशन एल्कलाइन है, जीवन पलता है, आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें। ये जो पानी है, हम जो भी काम करते हैं, बॉडी एसिड बनाती है। इस एसिड को निकालने का बॉडी के पास 4 ही तरीके हैं, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। अगर इन चारों से वो एसिड जितना बन रहा है ना निकला, उसको और पांचवा क्या तरीका है निकालने का, उसको एल्कलाइन कर दें। इसलिए एल्कलाइन वाटर कई बीमारियों को ठीक कर देता है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा इसको पीना कैसे है। सुबह उठ के खाली पेट तरह, बिल्कुल नीचे बैठे आप, उकड़ू बैठ के, जैसे इंडियन टॉयलेट वाला स्टाइल है, इस तरह बैठ के इसको एक घूट पीना है। ध्यान से देख लीजिए, एक घूट पीना है, इसको मुंह में चबाओ, एक घूट पी के 32 बार चबाना है। उसके बाद इसको कुल्ला करना है, चबाओ, मुंह में चबाओ, जैसे रोटी खाते हैं अपनी, चबाओ, दांतों से हिलाओ दांतों को। उसके बाद इसको अंदर लेना है इस तरह खाली पेट 1 गिलास, और दिन में 3 से 4 बार ये आपको अल्कलाइन वाटर अगर आपने पी लिया। स्टेज 4 कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, लीवर फेल, किडनी फेल, इन सब में ये रामबाण काम करेगा। और ये हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जहां हम इस टाइम हैं, यहां पूरे भारत से लीवर फेल के, किडनी फेल के, स्टेज 4 कैंसर के, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर हैं, स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट के 3 पेशेंट हो चुके हैं हमारे पास पिछले 4 महीनों, की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, नॉर्मल आ चुकी है, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है। और 61 पेशेंट किडनी फेल के हैं जिनका डायलिसिस पूरी तरह बंद हो चुका है, जो दुनिया में अपनी तरह से पहली बार हुआ है ऐसा। एक मिसाल है जी, तो हम यही तरीके से छोटे छोटे साइंटिफिक तरीकों से कैसे डिजीजेस को रिवर्स करना है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अल्कलाइन वाटर उसका मैजिक वाटर, दैट इज उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आपसे इतनी ही दुआ है, इतनी ही गुजारिश है कि ये आंवला, जिसमें एक आंवले में लगभग 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए, विटामिन ए, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, जो धूप से मिलता है, वो सारा कुछ इस मैजिक वाटर पीने के बाद अगर आप धूप में बैठोगे तो वो 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। तो कोई भी बीमारी जो लाइलाज है, वो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी,
सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबसी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें